वाइफ पीछे भाई नीचे रखना नीचे इधर देख लीजिए इधर भैया जी इधर भैया मंत्री जी सभी का मैं हृदय से वंदन करता हूँ अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों की कृपा की बदौलत आपकी मेहनत की बदौलत ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ यहाँ खड़ा हूँ। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ उनके सुख दुख में हाजिर रहूंगा। आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ पूरी ताकत और लगन और मेहनत के साथ काम करूंगा। कहीं भी कोई त्रुटि ना हो ऐसा मैं प्रयास हैं। अनिल सिंह जी, अरविंद त्रिपाठी जी, अरविंद वाजपेयी जी, संजय राठौर, अजय दीप सिंह जी, श्री शंकर अवस्थी जी, कहाँ दादा दादा आइए इधर आइए मेरे बेटा। अरे तुम आ गया, तुम कार्यक्रम में हो, सबसे पीछे घूम रहे हो। आया क्या क्या श्री शंकर अवस्थी जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद 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 भैया जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पीएस छाबड़ा जी जज साहब कहाँ हैं? आदरणीय संजीत सिंह जी, मोहित शुक्ला जी, संदीप सिंह आजाद जी, प्रदीप शुक्ल जी, मानू वाजपेयी जी, अवतार सिंह जी, शुक्ला सेवक उपस्थित सभी भाइयों तथा बहनों, चूंकि आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बैठक लगा रखी थी इस वजह से हमें आने में देरी हुई। मुझे लग रहा था मैं पहुंच नहीं पाऊंगा, लेकिन फिर भी जल्दी जल्दी करके मैं कैसे भी आपके बीच में आया हूँ। मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। महेश पाल जी हमारे मित्र साथी खड़े हैं, सभी का मैं हृदय से वंदन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आप लोगों की कृपा की बदौलत आपकी मेहनत की बदौलत ही मैं यहाँ पहुँचा हूँ यहाँ खड़ा हूँ। मैं अपने क्षेत्र के लोगों को इस बात का भरोसा दिलाता हूँ उनके सुख दुख में हाजिर रहूंगा। आपके क्षेत्र के विकास के लिए जो भी मैं कर सकता हूँ पूरी ताकत और लगन और मेहनत के साथ काम करूंगा। कहीं भी कोई त्रुटि ना हो ऐसा मैं प्रयास करूंगा। बाबा का ढाबा ये भी खड़े, बहुत मेहनत इन्होंने की है। राम बाबू जी भी खड़े हैं, श्याम बाबू भैया, अरे भैया, आप सबके सुविधा के लिए कई विधानसभा में हम कोई अच्छा व्यवस्था ढूंढ रहे, लेकिन फिलहाल चंदन नगर में कार्यालय का उद्घाटन विधिवत एसएन सिंह का, एसएन सिंह का पुत्र साहब हमारे पुराने साथी जी, तो एक कार्यालय का उद्घाटन हो गया है परसों। तो आप लोगों की कोई समस्या यदि है तो वहाँ कोई व्यक्ति बैठ करके जिम्मेदारी के साथ उसका निर्वहन करेगा और हमारे तक पहुँचाएगा। क्योंकि घर पे भीड़ बहुत हो जाती है तो मुझे लगा कि अपने कैंट के लोग हमारे घर के लोग हैं तो उनको भीड़ में कहीं ये ना महसूस हो कि उनको कोई ठीक से बैठने की जगह नहीं, ठीक से कोई बात नहीं कर पा रहा है, इसलिए कैंट के लिए अलग से इंतजाम किया है। फिर भी आप आना चाहे तो आपका हृदय से मैं स्वागत करूंगा, अभिनंदन करूंगा, चरण वंदन करूंगा हमारे सभी परिवार के। हुआ है क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए कार्ययोजना हम तैयार करा रहे हैं, जैसे जल भराव की समस्या है, सीवर लाइन की समस्या है, पेयजल की समस्या है, जहाँ जहाँ सड़कों की समस्याएं हैं, जहाँ जहाँ बिजली के तार झूल है उनकी समस्याएं हैं, और भी यदि कोई समस्या है तो उनका हम एक तैयार करा रहे हैं चुनाव में, जो हम लोगों ने कहा था, आप लोगों जो ग्रेवेंसेज हमें दिए थे और वैसे भी हम आकलन करा रहे हैं। हमें लगता है रामचंद्र भैया बैठे बेटा तो मिलता रहता है, हमारा युवा मौके साथी है। जिंदाबाद।
बहुत बहुत धन्यवाद आभार। मैं देर तक बोलता क्योंकि अभी बैठक चल रही है, मैं दोबारा भी मुख्यमंत्री जी के पास जाना पड़ेगा, लेकिन आग्रह था आप सबका कि मैं 5 मिनट के लिए आऊँ, मैं आ गया। बहुत पप्पू भी खड़े, देखो भैया तो भैया बहुत बहुत धन्यवाद आभार आप सबका, ठीक है ना। इधर देख लीजिए, इधर भैया जी, इधर भैया मंत्री जी, तुम धो